Hey everyone, this is Ankush from SSS, and once again I welcome you all in the economics lecture series, and we are doing the topic of inflation. So part 1 I have already discussed, inflation ka part 1 hum kar chuke hain. तो जिन्होंने भी पार्ट वन नहीं देखा है पहले पार्ट वन देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने जो बेसिक है इन्फ्लेशन का वो कवर किया है, विच इंक्लूड्स द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन. फिर उसके बाद इन्फ्लेशन की टाइप्स हमने डिस्कस की थी, जैसे कि लो इन्फ्लेशन या गैलोपिंग इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, ओपन इन्फ्लेशन, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन. देन वी डिड ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज हमने इन्फ्लेशन के किए थे, जिसको विच आर वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं, जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसे कहते हैं. तो ये सब हमने जो है इन्फ्लेशन के पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है. तो आज हम पार्ट टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट टू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पार्ट थ्री जो भी आगे जो है इसका लास्ट पार्ट, एक पार्ट थ्री और आएगा इन्फ्लेशन का, ठीक है, दैट विल बी द लास्ट पार्ट. उसमें भी हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ, तो वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है. ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, एज़ फार एज़ योर के एस एग्जाम इज़ कंसर्नड, ठीक है, के एस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो आप अच्छे से कर लीजिए. चाहे आपके जे के एस एस बी एग्जाम है, चाहे के एस है, तो के एस के लिए भी अगर आप इन्फ्लेशन, ये तीनों लेक्चर्स आप देख लेंगे तो इट इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर इन्फ्लेशन, एज़ फार एज़ इन्फ्लेशन इज़ कंसर्न, ठीक है, तो कवर हो जाएगा सारा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, इन्फ्लेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसे कहते हैं. तो इन्फ्लेशन इज़ द जनरल लेवल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज, जब मैक्सिमम जो कॉमोडिटीज का जो प्राइस है वो जब इंक्रीज कर रहा हो, कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मे बी एनुअली, ठीक है. हम क्या करते हैं यूजुअली, वैसे तो हम मंथली कैलकुलेट करते हैं, जैसे WPI इंडेक्स है या CPI है, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, बट हम नॉर्मली हम क्या करते हैं एनुअली ही इसको देखते हैं कि भाई, अगर जैसे कि मैं 2022 की बात करूँ तो मैं बोलूँगी कि भाई 2021 में कितनी इन्फ्लेशन थी और अब 2022 में इन्फ्लेशन रेट, तो बेसिकली इन्फ्लेशन इज अ रेट, ठीक है, कितनी परसेंटेज जो है हम वो कैलकुलेट करते हैं कि कितनी परसेंटेज इंक्रीज जो है वो आई है, ठीक है. तो ये होता है कॉमोडिटीज़ में, कितनी जो महंगाई या कितनी बढ़ी है, आप कह सकते हो कि हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, यानी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो जाती है. अगर कभी आप, मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर सपोज़ आप टमाटर है ना, अगर सपोज़ आप टमाटर जो है पिछले साल अगर आप 25 रुपये किलो खरीदते थे, तो आज जो है, मतलब 1 kg का जो रेट था, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि 1 kg का जो रेट था लास्ट ईयर सपोज़ वो 25 rupees था, ओके, लेकिन आज उसी 1 kg का जो रेट है, ओके, वो कितना हो गया, वो 30 rupees हो गया हुआ है. तो यानी 25 rupees से 30 rupees हो गया, तो यानी कि जो मनी वैल्यू है वो कम हो गई है, हमें ज़्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ रही है उसी सेम क्वांटिटी के लिए, ठीक है. तो ये इस तरीके से जो हमारी वैल्यू फॉर मनी है, मतलब आप इस तरीके से कि जो 100 रुपये की वैल्यू, ठीक है, जो आज जो, मतलब जो पहले जो 5 साल पहले थी या 10 साल पहले जो 100 रुपये की वैल्यू थी, क्या वो आज उतनी ही सेम है? नहीं है, ठीक है, नहीं है. ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई हमारे ज़माने में तो इतने रुपये में इतना सामान आ जाता था, तो आजकल हम बोलते नहीं कि 100 रुपये का तो आजकल कुछ है ही नहीं. तो बेसिकली जो मनी वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, दैट इज़ द साइन ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है. एंड इन केस ऑफ इन्फ्लेशन मनी सप्लाई इन द मार्केट इज़ मोर, ठीक है. वो आगे देखेंगे, दिस इज़ ड्यू टू दी, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स हैं ना, उनको इंटरवीन करना होता है, स्पेशली जो हमारा सेंट्रल बैंक है, विच इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो RBI हैज़ टू इंटरवीन जब भी इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है. तो RBI इसमें इंटरवीन करता है, तो इसमें क्या करता है, RBI क्या करता है, अपने टैक्स रेट्स जो है उनको इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है. तो ये, चलिए ये आगे मैं अभी डिस्कस करूँगी. तो नाउ अभी हमने जो देखना है, दैट इज़ दी मेथड्स ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन हम कैसे मेजर करते हैं, क्या मेथड्स हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मेथड्स है मेजरिंग इन्फ्लेशन के. तो बेसिकली प्राइमरली जो है टू, ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपको दो ही मेथड्स दिखेंगे इन्फ्लेशन मेजर करने के, विच इज़ होल सेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम WPI बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ CPI, विच इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है. लेकिन एक और होता है विच इज़ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसको PPI कहते हैं. तो तीन होते हैं बेसिकली. सो वी हैव थ्री मेजर दिस मेथड्स टू मेजर इन्फ्लेशन, विच इज़ WPI, विच इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI, विच इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड PPI, विच इज़ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है. लेकिन ज़्यादा फोकस हम इन दोनों पे ही रखते हैं, विच इज़ WPI एंड CPI. तो एक एक करके समझते हैं इनको, ये क्या है. तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स की. नाउ व्हाट इज़ दिस होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ये क्या है. देखिए, सबसे पहले है क्या, ये इंडेक्स है. व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ इंडेक्स, ठीक है. इंडेक्स होता है ये होलसेल प्राइस.
इसमें हम क्या करते हैं, हम इन मेथड्स के थ्रू इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मेथड क्या है। तो सबसे पहला मेथड है WPI, विच इज़ दी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है। देखिए, होलसेल ये मतलब WPI जो है ये इंडिकेटर है प्राइस चेंज का होलसेल मार्केट में। कौन से मार्केट में? होलसेल मार्केट में। इसमें इंक्लूड होगा आपका होलसेल मार्केट में आपकी होलसेल की जो मार्केट है वो इंक्लूड होगी, या फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो इंक्लूड होगा। ज़्यादा तो इसमें होलसेलर जो है वही इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि भाई जो होलसेलर हैं वो किस प्राइस पे जो प्रोड्यूसर है या जो मैन्युफैक्चरर है उससे सामान खरीद रहा है। तो जो होलसेल को बेसिकली जो होलसेल मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल करता है हम उसको कैलकुलेट करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में। तो इसमें जो है ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि ज़्यादा वास्ट कवरेज इसकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कस्टमर्स हैं, हम जो कंज्यूमर्स हैं, हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं रिटेलर के पास, हम होलसेलर के पास नहीं जाते हैं। हम क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, हम होलसेलर के पास तब जाते हैं अगर हमें बल्क में सामान खरीदना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में शादी है, कोई फंक्शन है, फिर हम होलसेल में जाके सामान खरीदेंगे। अभी सपोज हम बिस्किट का पैकेट हमने बाजार से लाना है, तो हम 1, 2, 3 इतनी या 4, 5 हम इतने बिस्किट के पैकेट अपने घर पे लाके रखेंगे। ठीक है, अगर आप होलसेलर के पास जाओगे तो वो 1-2 बिस्किट का पैकेट आपको नहीं देगा। वो बोलेगा कि भाई जो पूरे का पूरा जो जिसमें मतलब मे बी उसमें 50 पैकेट होंगे पूरे बड़े पैकेट में, बोलेगा ये लेके जाओ आप। ठीक है, या सपोज हमने चीनी खरीदनी है, हम शुगर खरीदेंगे, है ना, हम शुगर खरीदने जाएंगे रिटेलर के पास, हम बोलेंगे 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो। ठीक है, लेकिन अगर होलसेलर के पास जाएंगे तो हमें पूरा, मतलब आप कह सकते हो कि पूरी चीनी का हमें एक पूरा बोरी सपोज हमें चीनी की एक लानी पड़ेगी। ठीक है, होलसेलर जो है वो बल्क में सामान देगा, वो 1-2-3 किलो सामान हमें नहीं देगा। तो दैट्स वाई वी गो टू द रिटेलर। अब होता क्या है कि अगर हम रिटेलर के पास जाएंगे तो सपोज चीनी उसने फॉर एग्जाम्पल हमें दी 30 रुपये केजी। ठीक है, लेकिन अगर हम होलसेलर के पास जाएंगे तो वो हमें 25 रुपये केजी देगा, लेकिन देता बल्क में है वो। ठीक है, तो यानी होलसेलर के पास जो प्राइस है वो हमें कम पड़ेगा दैन रिटेलर। रिटेलर हमें थोड़ा महंगा देगा, लेकिन रिटेलर हमें ये कि हम कम क्वांटिटी रिटेलर से खरीदते हैं, एंड जो रिटेलर्स हैं उनका ज़्यादा इजी एक्सेस होता है। हम घर से बाहर निकलेंगे, वी हैव सो मेनी शॉप्स, हम जाते हैं फटाफट रिटेलर से सामान लेके आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन होलसेलर मार्केट में हमें एक तो स्पेशली जाना पड़ेगा और वहाँ पे हमें बल्क परचेज करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी हमें कम महंगी पड़ेगी। ओके, नाउ अब डिफरेंस ये है कि अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो होलसेल मार्केट में क्या प्राइस प्रिवेल कर रहा है, दैट इज एक्चुअली बीन कैलकुलेटेड इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, समझ आया? तो अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट कंसर्न है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कीप्स एन आई कि इन्फ्लेशन कितनी है। तो जब गवर्नमेंट ने, मतलब जब होलसेल के मार्केट को जब टारगेट किया जाता है, होलसेल मार्केट को जब टारगेट किया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा प्राइस प्रिवेल कर रहा है होलसेल मार्केट में, वो इंक्लूड होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। सबसे पहले तो ये समझ आया, ये कैलकुलेट करता है वो प्राइस जो कि मैन्युफैक्चरर पे कर रहा है या फिर होलसेलर पे कर रहा है अपने मार्केट में। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ओके, एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट शो करता है ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट है क्या, जिस तरीके से जैसे MCQ पूछे जाएंगे कि जो WPI है ये पहले मॉनिटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता था, कब तक करता था, 2014 तक। 2014 के बाद जो मॉनिटरी पॉलिसी को जो रेगुलेट करती है दैट इज़ CPI, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखिए होता क्या है, जो हमारा ये क्या है मॉनिटरी पॉलिसी, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हमें पता है पहले तो इन्फ्लेशन है। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब कि इंक्रीज इन द प्राइस मनी, इंक्रीज इन दी, आप कह सकते हो जनरल प्राइसेस ऑफ द कॉमोडिटीज़ को इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी महंगाई जो हो रही है। अब जो बैंक्स हैं, जैसे रिजर्व बैंक है फॉर एग्जांपल, अब जो RBI है, ठीक है, RBI है, उसने क्या करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जो जिम्मेवारी है वो आ जाती है RBI के पास। ठीक है, तो RBI क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल, ये भी आगे हमने पढ़ना है कि कंट्रोल मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसको कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। तो RBI क्या करती है, RBI ने MPC बना के रखा हुआ है, विच इज़ मॉनिटरी पॉलिसी काउंसिल। तो RBI के अंडर एक MPC होती है विच इज़ मॉनिटरी पॉलिसी काउंसिल। तो मॉनिटरी पॉलिसी काउंसिल क्या करती है, मॉनिटरी पॉलिसीज बनाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब वो मॉनिटरी पॉलिसी क्या है वो मैं आगे लेक्चर में आपको समझाऊंगी कि मॉनिटरी पॉलिसी पे पूरा एक लेक्चर आएगा कि मॉनिटरी पॉलिसी किसे कहते हैं, RBI की। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि जो ये RBI मॉनिटरी पॉलिसी बनाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो पहले जो है ऑन द बेसिस ऑफ WPI बनाती थी कि भाई WPI कितना है, WPI इन्फ्लेशन कितनी है, उसके बेसिस पे मॉनिटरी पॉलिसी बनती थी। ठीक है, लेकिन अब
प्रेजेंट डे में किस बेसिस पे बनती है? सीपीआई के बेसिस पे बनती है, विच इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये आप याद रखिए, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, अभी आगे मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों किया आरबीआई ने, शिफ्ट क्यों किया। कब शिफ्ट किया था? 2014 में शिफ्ट किया था, ठीक है, डब्ल्यूपीआई से। अब जो इन्फ्लेशन है वो किस पे कैलकुलेट होती है? सीपीआई पे। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम होती है, जो बनती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बाय आरबीआई, इट इज बेस्ड अपॉन डब्ल्यूपीआई इंडेक्स और सीपीआई, तो व्हाट यू विल से, इट इज बेस्ड अपॉन सीपीआई और बोथ ऑफ देम। अगर इस तरीके से है तो सीपीआई इंडेक्स पे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है आज की डेट में बनती है, ठीक है। अब वो क्यों है, अभी आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखिए, डब्ल्यूपीआई जो है इट इज बेस्ड अपॉन होलसेल प्राइसेस ऑफ सिलेक्टेड कॉमोडिटीज ऑफ सिलेक्टेड मार्केट्स। तो बेसिकली डब्ल्यूपीआई में क्या है, सिलेक्टेड कॉमोडिटीज होती हैं। सिलेक्टेड कॉमोडिटीज भी क्या होती हैं बेसिकली, कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स को कंसिडर किया जाता है। गुड्स मतलब कॉमोडिटीज को, तो सिर्फ कॉमोडिटीज को या गुड्स को इसमें कंसिडर किया जाता है। आप कह सकते हो टेंजिबल गुड्स को इसमें जो है कवर किया जाता है, इसमें इनटेंजिबल सर्विसेज को कवर नहीं किया जाता, ठीक है। इनटेंजिबल जो सर्विस सेक्टर है, आप ऐसे समझिए कि जो सर्विस सेक्टर है वो डब्ल्यूपीआई में इंक्लूड नहीं है, इसमें सिर्फ जो गुड्स हैं वो इंक्लूड हैं। तो इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। तो इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सर्विस सेक्टर। क्यों सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं करता? क्योंकि देर इज नो होलसेल मार्केट फॉर सर्विसेज, ओके। सर्विसेज आर जो सर्विसेज हैं वो कैसी कॉमोडिटीज हैं? सर्विसेज ऐसी कॉमोडिटी है जो कि आप डायरेक्टली सोल्ड और कंज्यूम होते हैं, डायरेक्टली सोल्ड और कंज्यूम्ड होती है टू द कंज्यूमर, ठीक है। इसके लिए कोई होलसेल मार्केट सर्विसेज की नहीं है, इसलिए हम सर्विसेज को होलसेल प्राइस इंडेक्स में इंक्लूड नहीं करते। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। इनका डिफरेंस जो है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई अब कौन एस्टिमेट कौन करता है, कैलकुलेट कौन करता है? तो डब्ल्यूपीआई इज कैलकुलेटेड बाय इकोनॉमिक, बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो एस्टिमेट करता है डब्ल्यूपीआई को, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और डब्ल्यूपीआई कब कैलकुलेट होता है? इट इज डब्ल्यूपीआई इज कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। पहले वीकली बेसिस पे होता था, 2009 तक वीकली बेसिस पे होता था, लेकिन अभी खैर आपने एट प्रेजेंट का ही याद रखना है। तो जो डब्ल्यूपीआई है अभी आप याद रखिएगा, मंथली बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इनफैक्ट जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसको भी हम मंथली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मंथली कैलकुलेट करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि जो हमारा डब्ल्यूपीआई है, ठीक है, मार्च के महीने का वो 14.55% निकला था, विच इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन है अभी, ठीक है, विच इज अ साइन ऑफ कंसर्न। ऑफ कोर्स इसको, इसके ऊपर काफी, मुझे तो लगता है काफी डिबेट्स होनी चाहिए हर न्यूज चैनल पे। ये दिखाना चाहिए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मेजर, इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन, ठीक है। स्ट्रिक्ट मॉनिटरी पॉलिसीज जो है अभी, जो है स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी शुड भी, अभी आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी लाने वाला है बहुत ही जल्द, नई मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये लगता है कि टैक्सेस जो टैक्स रेट्स है वो जो भी हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं, ठीक है, वो इंक्रीज होने वाले हैं। अभी की मॉनेटरी पॉलिसी डेफिनेटली उसको इंक्रीज करेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है बहुत ज़्यादा है। और अगर सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करूँ, मैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की बात करूँ, तो दैट इज 6.95%, तो अगेन दैट इज ऑल्सो हाई, ठीक है। 4% तक रहना चाहिए, ठीक है, 4% तक रहना चाहिए, 6.95 अभी का जो सीपीआई जो है मार्च का जो भी रिसेंट है, तो दैट इज 6.95%, अगेन विच इज वेरी हाई, ठीक है। तो इन्फ्लेशन हाई है, तो इसको चेक करने के लिए द गवर्नमेंट एंड आरबीआई विल इंटरवीन डेफिनेटली हेयर, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, कि देखिए जो बेस ईयर है ना डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट करने का वो है 2001-2012, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए व्हाट इज नाउ बेस ईयर, पहले जो है बेस ईयर कितना था, 2004-2005 था, इसको 2017 में चेंज करके 11-12 कर दिया गया। खैर अभी आप पुराना भूल जाइए, अब आपने ये याद रखना है कि जो डब्ल्यूपीआई का जो एट प्रेजेंट जो जो बेस ईयर है दैट इज 2011-2012, दिस यू नीड टू रिमेंबर, ओके। अब देखिए बेस ईयर क्या होता है, कि वाई वी कीप अ बेस ईयर, तो बेस ईयर एक्चुअली इसलिए होता है, सपोज अभी 2022 चल रहा है ना, तो मैंने अगर किसी भी कॉमोडिटी का मतलब चेक करनी है कि एक कॉमोडिटी में कितनी महंगाई आई है, एक कॉमोडिटी में कितनी इन्फ्लेशन आई है, तो मैं उस कॉमोडिटी की जो प्राइस है वो कंपेयर करूँगी 2011-12 की प्राइस के साथ। तो दिस इज दी, ये जो हम कंपैरिजन करते हैं कि हमें कौन से ईयर के साथ कंपेयर करना है और फिर हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे, तो वो बेस ईयर है 2011-12 का डब्ल्यूपीआई का, ठीक है। तो सिमिलरली वी हैव सीपीआई, अभी आगा नेक्स्ट हम सीपीआई पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसका बेस ईयर 2012 है, ठीक है। CPI का बेस ईयर 2012 है और WPI का इंडेक्स है 2011-12। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाई बेस ईयर हैज़ बिन कैप्ट, क्योंकि बेस ईयर से हम कंपेयर करते हैं, जो आगे वाले आने वाले जो साल हैं उनको हम कंपेयर करते हैं बेस ईयर से टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन, ओके। अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कॉमोडिटीज़ हैं WPI में वो हैं 697। सो देर इज़ अ बास्केट ऑफ गुड्स, हम कहते हैं बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब कितनी गुड्स इंक्लूडेड हैं WPI में, मतलब हम जब होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालते हैं तो हम कितनी गुड्स की कीमत देखते हैं, तो दोज गुड्स आर 697, ठीक है। 697 टोटल गुड्स हैं जिन टोटल बास्केट ऑफ गुड्स हैं जिनके ऊपर हम जिनकी हम WPI कैलकुलेट करते हैं, तो ठीक है। पहले 676 कॉमोडिटीज़ थी, बट अब ये चेंज करके 697 कॉमोडिटीज़ हो गई हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो 697 जो कॉमोडिटीज़ हैं उनको हमने कैसे डिवाइड किया है, तो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उसमें, कुछ ऐसे गुड्स हैं जो प्राइमरी आर्टिकल्स में आती हैं, दोज गुड्स आर 102 इन नंबर एंड अप्रॉक्सीमेटली देयर वेटेज इज 20%। फ्यूल और पावर जो है उसमें 19 आइटम्स आती हैं एंड देयर वेटेज इज अप्रॉक्सीमेटली 15%, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अगर आइटम की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग आइटम सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, 555 एंड वेटेज इज 65%। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स की हैं, उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल्स की हैं और उसके बाद फ्यूल एंड पावर की हैं, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने हैंड रिटन, तो आप इस तरीके से इसको आप पहले नंबर पे आप मैन्युफैक्चरिंग लिख लीजिएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे प्राइमरी, तीसरे नंबर पे फ्यूल एंड पावर, इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ओके, अब यहाँ पे देखिए दिस इज दैट हाउ दिस इज द फॉर्मूला कि आप कैसे जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो हाउ डज वी कैलकुलेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सो हाउ डज वी कैलकुलेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन टू फाइंड दी और थ्रू द चेंज इन WPI। अब मैंने आपको क्या कहा कि WPI क्या है, इट इज़ एन इंडेक्स, ठीक है, जिससे आप कैलकुलेट करते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी है। तो वट इज़ द फॉर्मूला फॉर दिस, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है कि WPI ऑफ सिलेक्टेड ईयर यानी करंट ईयर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि WPI जो है करंट ईयर का कितना है माइनस WPI ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर का मतलब लास्ट ईयर, अगर आपने लास्ट ईयर से कंपेयर करना है तो आप क्या करेंगे 2022 का, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2022 की बात करूँ तो मैं देखूंगी कि WPI जो है 2022 में कितना है, फिर माइनस WPI 2021 में कितना था अपॉन WPI ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, यानी अपॉन WPI प्रीसीडिंग ईयर का, यानी कि WPI 2021 में कितना था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। ऑल राइट, तो दिस इज अबाउट आर WPI, ठीक है। अब बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, विच इज CPI। अब देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, विच इज CPI, तो क्या होता है इसमें, इट शोज इम्पैक्ट ऑन पीपल और कंज्यूमर्स एंड शोज द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ये CPI क्या करता है, बेसिकली ये देखता है कि भाई डायरेक्टली कंज्यूमर्स पे क्या इम्पैक्ट आया या डायरेक्टली कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट आया है, ठीक है। क्या करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये देखता है कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स पे या कस्टमर्स पे क्या, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये रिटेल के साथ डील करता है। जैसे हमने कहा था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो आप अपने नोट्स में रिटेल वर्ड भी लिख लीजिएगा ज़रूर, जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में हमने देखा कि होलसेलर्स पे मतलब इम्पैक्ट करता है, प्राइस देखता है, तो वैसे ये जो है ये रिटेल मार्केट में आपको जो है रिटेल मार्केट का प्राइस इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। CPI जो है ये मेजर करता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। व्हाट इज अ हेडलाइन इन्फ्लेशन, मैंने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर चुकी हूँ आप, हेडलाइन इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन का क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ आपको क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है व्हेन वी एक्चुअली कैलकुलेट इन्फ्लेशन ऑफ ऑल कॉमोडिटीज, जब हम सारी कॉमोडिटीज़ की इन्फ्लेशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ एक और इन्फ्लेशन वर्ड यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना। कोर इन्फ्लेशन इज हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस वॉलेटाइल इन्फ्लेशन, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे वॉलेटाइल गुड्स होती हैं, वॉलेटाइल मतलब जो डेली रेट, डेली बेसिस पे जिनके रेट चेंज होंगे, ठीक है, जैसे कि फूड आइटम्स हो गए या फ्यूल हो गया, ठीक है, तो फ्यूल की फ्यूल है या फिर अगर फूड आइटम्स हैं, ठीक है, वो हाईली वॉलेटाइल नेचर हैं, जो डेली आइटम्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो जो भी डेली आइटम्स हैं या जो उनको हम वॉलेटाइल आइटम्स भी कहते हैं, ठीक है, उनको माइनस कर देते हैं हम कोर इन्फ्लेशन में। कोर इन्फ्लेशन में हम उनको इंक्लूड नहीं करते, बट हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं। तो CPI जो है ये मेजर करता है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यानी कि जो CPI है वो ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ये ज़्यादा
ये ज़्यादा गुड्स को, ये ज़्यादा कॉमोडिटीज़ को कवर करता है जो सीपीआई है, ठीक है। प्लस सीपीआई जो है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं, हम इसमें गुड्स भी इंक्लूड करते हैं, हम इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं। अब देखिए सर्विस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, जैसे हॉस्पिटैलिटी है या एजुकेशन है, तो एजुकेशन देखिए कितना बड़ा सेक्टर है, या हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है, जैसे टूरिज्म है तो कितना बड़ा सेक्टर है, ये भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। इनफैक्ट मेडिकल, अगर मैं मेडिकल सर्विसेज की बात करूँ तो मेडिकल सर्विस इज़ अ वेरी बिग मतलब सेक्टर इन आर इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सब WPI में इंक्लूड नहीं होते हैं, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, ठीक है। दैट्स वाई मैंने आपको कहा था कि चेंज हो गया था, पहले जो है 2014 से सॉरी प्रायर जो है RBI जो है वो WPI इंडेक्स को देखती थी फॉर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, फॉर कैलकुलेटिंग या मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, सॉरी W, ठीक है। तो WPI जो है वो कंसिडर करती थी RBI मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए, लेकिन आज के टाइम पे जो है RBI किसको कंसिडर करती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखती है, ठीक है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए, इसीलिए देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो CPI है इसमें सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड होता है, विच इज़ अ मेजर सेक्टर, WPI में सर्विस सेक्टर इंक्लूड नहीं होता, तो इट इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इट इज़ मोर इलेबरेटिव स्ट्रक्चर, इट इज़ मोर ज़्यादा जो है कॉम्प्रिहेंसिव, हमें जो है आप कह सकते हो कि एक व्यू पॉइंट देता है, ठीक है। तो CPI की अगर मैं बात करूँ, ओके, तो CPI जो है इट इज़ यूज टू फॉर्मुलेट मॉनिटरी पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले WPI होता था, एंड येस इट यूज टू शो डेयरनेस अलाउंस। देखो कितनी डेयरनेस अलाउंस जो है, जो इसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कितनी डेयरनेस अलाउंस मिलनी चाहिए, ये किसके बेसिस पे होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे होता है। इनफैक्ट कितनी वेजेस मिलनी चाहिए, कितनी वेज इंक्रीज करनी चाहिए, जो डेली वेजेस हैं या जो लेबर्स हैं, ठीक है, या जो इम्प्लॉयज़ हैं, कोई भी जो गवर्नमेंट इम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, या और किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंडर जो, जैसे MGNREGA में फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि इम्प्लॉयज़ जो है ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, तो कितनी वेज को इंक्रीज करना चाहिए, ये सब किसके बेसिस पे होता है, ये सब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे होता है कि भाई इतनी इन्फ्लेशन हो गई है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, तो इसका मतलब हमें वेजेस भी बढ़ानी पड़ेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो हमें वेजेस भी बढ़ानी पड़ेंगी, या हमें डेयरनेस अलाउंस जो है हमारे इंप्लॉयज़ का वो भी बढ़ाना पड़ेगा, तो दैट विल बी बेस्ड अपॉन वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है, ओके। अब देखिए जो CPI है, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट इज़ एस्टिमेटेड ऑन मंथली बेसिस, एज WPI इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन, मतलब ये भी मंथली बेसिस पे हम देखते थे, ठीक है। कवर्ड ये क्या आइटम्स कवर करती है, 448 रूरल बास्केट और 460 अर्बन बास्केट, तो देयर आर सम ऑफ द गुड्स, मतलब रूरल बास्केट के गुड्स हैं और अर्बन बास्केट के गुड्स हैं, इसमें 448 गुड्स इंक्लूड होते हैं, इसमें 460 गुड्स इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इट इज़ बेस्ड अपॉन रिटेल प्राइस ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ये रिटेल प्राइस पे जो है इंक्लूड, रिटेल प्राइस इंक्लूड होती है, मैक्सिमम सारी गुड्स और सर्विसेज इसमें कवर हो जाती हैं, ठीक है। एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन 4 सेट ऑफ कंज्यूमर्स। अब फर्दर जो CPI है ना, फर्दर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसको हम 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेसेस में पढ़ते हैं, ठीक, देर आर फर्दर 4 मोर इंडेसेस अंडर CPI जो हमने पढ़नी है, ठीक है। तो 4 सेट ऑफ कंज्यूमर्स हैं, हम कहते हैं देर आर 4 सेट ऑफ कंज्यूमर्स ब्रॉडली जिनके ऊपर हम CPI जिनके ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। बेस ईयर जो है CPI का ये 2012 है, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। अब क्या है वो 4 सेट ऑफ कंज्यूमर्स, ये देखिए जरा। पहला है दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जिसको हम CPI IW भी कहते हैं। क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। इसमें आपने क्या याद रखना है कि एक तो ये आप कह सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है CPI। अब देखिए अगर मैं आपको जनरली बोलूंगी कि CPI जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है, CPI जो है ये कौन कैलकुलेट करता है, तो CPI जो है एक तो ये CSO विच इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, दैट इज MoSPI, ठीक है, एंड लेबर ब्यूरो। तो ये दो मिनिस्ट्रीज हैं अलग अलग, ये लेबर मिनिस्ट्री के अंडर है, लेबर ब्यूरो जो है लेबर मिनिस्ट्री के अंडर है, और CSO जो है ये MoSPI के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये दोनों मिलके ही CPI जो है वो फ्रेम करते हैं, CPI इन्फ्लेशन निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं CPI की बात करूँ, विच इज़ CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स और CPI IW, इसका क्या है कि जो आइटम्स इंक्लूडेड हैं CPI IW में इंडस्ट्रियल वर्कर्स में,
वो क्या है, फूड है, क्लॉथ है, रेंट है, फ्यूल है, एक्सेट्रा. बेस ईयर जो है 2016 है, रिसेंटली ही चेंज हुआ था कि जो बेस ईयर है जो सीपीआई आईडब्ल्यू का, ये जो है चेंज हुआ है 2016 में रिसेंटली, इसका बेस ईयर जो है 2016 कर दिया गया है. ठीक है, देखिए पूरे टोटल सीपीआई का जो बेस ईयर है वो 2012 है, लेकिन इंडिविजुअल बेस ईयर्स भी हमने करने हैं. मैंने आपको क्या कहा, सीपीआई के अंडर हमने चार फर्दर सीपीआई की जो सेट है वो पढ़ने हैं. पहला सेट जो है दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसका जो बेस ईयर है वो 2016 है. ठीक है, और सीपीआई ये जो आईडब्ल्यू है ये एस्टिमेट करता है कौन, लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके याद रखिएगा. नेक्स्ट वी हैव सीपीआई फॉर अर्बन, ओके सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज. तो सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, जिसको हम सीपीआई यूएनएमई भी कहते हैं, इसका बेस ईयर है 1984 to 85. जी हाँ, काफ़ी पुराना है. ठीक है, तो उसका बेस ईयर है 84-85. इट इज़ एस्टिमेटेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ CSO. ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स. ठीक है, CPIAL, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, विच इज इसके इसका जो बेस ईयर है दैट इज 86-87. एंड अगेन इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय CSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ये भी CSO मॉस्पी जो है वही कवर करता है इसको भी. फिर जो नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ CPI फॉर रूरल लेबर्स और CPI, ठीक है, या CPIRL भी इसको कहते हैं, CPI रूरल लेबर. इसका जो बेस ईयर है वो भी 1986-87 है, ओके. और ये भी कौन कैलकुलेट करता है, ये भी CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है इसको करता है अंडर मॉस्पी विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, अब क्या हुआ कि अच्छा, अब एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, ये जो हमने किया ना CPIAL दैट इज CPI एग्रीकल्चरल लेबर और CPI रूरल लेबर. अब देखिए इनमें आप बोलेंगे फ़र्क क्या है CPI एग्रीकल्चरल लेबर और CPI रूरल लेबर में. तो एग्रीकल्चरल लेबर मतलब वो लेबर विच इज़ प्राइमरली जो एग्रीकल्चर के साथ डील करती है, और जो रूरल लेबर है, ज़रूरी नहीं है कि सारी रूरल लेबर जो है वो एग्रीकल्चरल लेबर ही है. ठीक है, वो एग्रीकल्चर में डील नहीं भी कर सकती रूरल लेबर, किसी और फील्ड में भी डील कर सकती है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क में इंक्लूड कर सकती है, कहीं और में इंक्लूड हो सकती है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. तो अब CPIAL यानी एग्रीकल्चर लेबर और CPI रूरल लेबर जो हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट इन इन्फ्लेशन को यूज़ करके मिनिमम वेजेस जो हैं उसको रिवाइज करती है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम वेजेस को या डेयरनेस अलाउंस को या जो मिनिमम वेजेस हैं उनको जो है CPI को देख के ही जो गवर्नमेंट है उसको रिवाइज करती है. इनफैक्ट जो मैंने आपको डेयरनेस अलाउंस कहा था कि डेयरनेस अलाउंस जो है वो भी CPI के ऊपर बेस्ड होता है, तो वो स्पेसिफिकली CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ऊपर बेस्ड होता है. ठीक है, जो डेयरनेस अलाउंस जो कैलकुलेट करती है गवर्नमेंट, या उसको इंक्रीज करने के लिए अगर गवर्नमेंट सोचती है तो. अब देखिए क्या हुआ था, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू नो कि 2011 में क्या हुआ था, जो CSO है उसने क्या किया, तीन और, ठीक है, थ्री मोर CPI जो है आइडेंटिफाई किए, तीन और CPI जो है आइडेंटिफाई किए. इनको हमने ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हैं, ये ज़्यादा ब्रॉडर डिविजन्स हैं, विच इज़ CPI अर्बन, CPI रूरल और CPI कम्बाइंड. क्या है, CPI अर्बन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम्बाइंड. ठीक है, ये ब्रॉडर डिविजन्स हैं और इनका जो बेस ईयर है वो है 2012. ठीक है, जो इन तीनों का जो बेस ईयर है दैट इज 2012. ओके, 2014 में तीन नए रिटेल फूड इन्फ्लेशन भी इंक्लूड हुए थे, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि थ्री मोर न्यू रिटेल फूड इन्फ्लेशन इंडिसेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे CSO ने, विच इज CFPI रूरल दैट इज कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स रूरल, और CFPI विच इज कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स अर्बन एंड कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स कम्बाइंड, और इसका भी बेस ईयर जो है वो 2012 रखा गया. ठीक है, तो क्या किया CSO ने, एक तो 2012 बेस ईयर रखा तीन नए जो CPI बनाए उनका, और फिर फर्दर क्या किया रिटेल फूड इन्फ्लेशन इंडेसेस भी रखे. ठीक है, विच इज़ CFPI फॉर रूरल एंड CFPI फॉर अर्बन, और इनका भी जो बेस ईयर है वो 2012 रखा गया. ठीक है, ओके. जो थर्ड वन इज द थर्ड वन फॉर योर कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन इज, ठीक है, तो इन्फ्लेशन के मेथड्स हम कर रहे हैं, तो पहला हमने किया WPI, दूसरा हमने किया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड द थर्ड वन इज PPI विच इज़ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. ठीक है, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना WPI और CPI है, हम उसी को ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी जो है RBI वो किस को देख के कौन से मेथड के ऊपर बेस्ड होती है, तो दैट इज़ बेस्ड अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, से याद रखना, ठीक है। ओके, एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन WPI एंड CPI? वैसे तो देर आर सो मेनी डिफरेंसेस, ठीक है, बट द मेन डिफरेंस इज कि CPI जो है इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, WPI में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात करूं मैं, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बेसिकली ये इट इज़ दैट इन्फ्लेशन विच इज होली सोली बेस्ड अपॉन प्रोड्यूसर साइड, यानी कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइसेस टिल द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि विद इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, विद इन द प्रोडक्शन यूनिट जब एक कॉमोडिटी जो है उसकी प्रोडक्शन हो रही है, तो उसकी प्रोडक्शन जब तक वो फाइनल आउटपुट नहीं बन जाती तब तक उस स्टेज तक कितनी प्राइस इंक्रीज आई है, ठीक है, उसके मतलब रॉ मटेरियल में कितनी प्राइस इंक्रीज आई है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में कितनी प्राइस इंक्रीज आई है, तो वो पूरे फाइनल जब तक वो पूरे प्रोडक्शन हाउस में ही है, अपनी जो मतलब कंप्लीट फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तक नहीं पहुंचा है, उस टाइम तक जो प्राइस कैलकुलेट होता है दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो एक बारी वो जो फाइनल गुड है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बाहर निकल गया तो फिर वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में फॉल नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उस पर नहीं लगेगी। विद इन द प्रोडक्शन हाउस जो है, विद इन द प्रोडक्शन यूनिट जब वो कन्फाइंड है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। एम आई क्लियर? ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट मेथड्स रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने करना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करनी है, तो एक डेफिनेशन आज हम समझ लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने करनी है, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये। तो सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीफ्लेशन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीफ्लेशन। व्हाट इज दिस डीफ्लेशन? डीफ्लेशन को समझ लेते हैं। देखिए, डीफ्लेशन होता है, इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहले तो डीफ्लेशन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज दिस ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन? देखिए, इन्फ्लेशन हमें पता है प्राइस इंक्रीज होना, है ना, तो डीफ्लेशन होता है प्राइस डिक्रीज होना कॉमोडिटी के। डीफ्लेशन किसे कहते हैं? कि प्राइस डिक्रीज होना कॉमोडिटीज के, ठीक है, प्राइस डिक्रीज होना। देखिए, अ जनरल डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफन कॉज बाय रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ मनी। अब देखिए क्या है, अगर आपको ये लगेगा कि भाई डिफ्लेशन यानी प्राइस कम हो रहे हैं, तो ये तो कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए, अच्छी बात तो है, हमें अच्छा तो लगेगा कि भाई प्राइसेस कम हो रहे हैं, लेकिन दैट इज ओनली फॉर शॉर्ट रन, ठीक है, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए ये अच्छा रहेगा। इन द लॉन्गर पीरियड इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, इट इज फेटल फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। ये डिजायरेबल बिल्कुल भी नहीं होती है जो डिफ्लेशन होती है, इट इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल फॉर एन इकोनॉमी। एंड हेयर द रेट बिकम्स नेगेटिव, यहाँ जो रेट है ना प्राइस की वो नेगेटिव होती चलती है। मतलब आप मान लीजिए कि एक दिन सपोज वो 10 रुपये की कोई चीज़ थी, अगले दिन एक महीने के बाद वो 9 रुपये की होगी, फिर उसके एक महीने के बाद 8 रुपये की होगी, उसके एक महीने के बाद 7 रुपये की होगी, तो ये जो है प्राइस रिड्यूस हो रहा है, तो दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, दिस इज नॉट डिजायरेबल। नाउ यू विल से व्हाई दिस इज नॉट डिजायरेबल, तो इसके हम रीजंस देखते हैं कि व्हाई दिस इज बैड फॉर द इकोनॉमी और व्हाई दिस इज नॉट डिजायरेबल फॉर एन इकोनॉमी। अब देखिए होता क्या है कि जब प्राइस जो है कम होना शुरू हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो कस्टमर्स हैं ना, जो लोग हैं, जो हम कंज्यूमर्स हैं, हम क्या करेंगे, हम अपनी परचेज को डिले कर देंगे, हम खरीदना कम कर देंगे, ठीक है, हम डिले करेंगे। क्योंकि क्यों डिले करेंगे? फॉर द फर्दर एक्सपेक्टेशन कि जो प्राइस है वो और कम होंगे, हम क्या सोचेंगे कि भाई प्राइस अभी और कम होने हैं, तो हम इस एक्सपेक्टेशन में कि अभी प्राइस और कम होंगे, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो खरीद है वो डिले कर देते हैं, ठीक है। आपने कोई भी मेजर अपने घर के लिए, फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर खरीदना है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं अभी प्राइस कम है, अभी थोड़ा प्राइस और कम होगा, तो मैं वेट कर लेता हूँ, जब और प्राइस कम होगा मैं तब खरीदूंगा अपना फर्नीचर, ठीक है, तब खरीदूंगी। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो स्पेंडिंग है उसको डिले करेंगे, ठीक है। जब हम अपनी स्पेंडिंग को डिले करेंगे तो उससे क्या होगा, जब हमने स्पेंडिंग को डिले करेंगे तो जो डिमांड है मार्केट में वो कम हो जाएगी। क्या होगा? जो डिमांड है मार्केट में वो कम हो जाएगी। जब डिमांड मार्केट में कम होगी तो जो कंपनीज है वो कम प्रोड्यूस करेंगी। जब डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। अब जब प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं
उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा, उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अब जब उनको लॉस हो गया, उनके प्रॉफिट्स कम होंगे, जब प्रोडक्शन कम हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। अब जब एम्प्लॉयमेंट कम है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट का असर किस पे होगा? हम कस्टमर्स पे ही, हम ही इंप्लॉयड हैं और हम ही कस्टमर्स भी हैं, है ना, हमें ना खरीदना भी है, हम ही कमा रहे हैं, हम ही खरीद भी रहे हैं। तो अब जो, यानी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो जो टोटल हाउस होल्ड इनकम है वो कम हो जाएगी। अब जब टोटल हाउस होल्ड इनकम कम हो गई तो ऑब्वियसली इकोनॉमी को इफेक्ट होगा इससे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। मैंने आपको वैसे ही बताया था कि इन्फ्लेशन अभी बढ़ रही है। मेन प्राइमरली रीज़न हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट में ये भी है कि MSME जो है उसको बहुत नुकसान हो गया है ड्यू टू कोविड। ठीक है, छोटे छोटे जो रोजगार थे, जो छोटे बिजनेस हाउस थे, वो सारे बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो मेजर, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं वो प्राइस मेकर बन चुके हैं आज के टाइम पे। ठीक है, वो प्राइस मेकर आप देख लिया। आप अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ में देख रही थी कि मारुति सुजुकी जो है उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है बाय 1.48 और समथिंग परसेंटेज। जो मारुति सुजुकी है उनका प्रॉफिट शेयर इंक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ, ठीक है, ऑफ देयर व्हीकल्स। ओके, तो इस तरह के जो मेजर जो प्लेयर्स हैं जो मार्केट में, जो बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हम कह सकते हैं कि वो प्राइस मेकर बन गए, वो अपनी प्राइस लगा रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू कि जो छोटे बिजनेस हाउस हैं वो बंद हो चुके हैं। खैर, ये तो बात की बात है, अभी फिलहाल हम डिफ्लेशन को समझ रहे थे। तो डिफ्लेशन जो है, मैंने आपको क्या कहा कि अल्टीमेटली क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से जो हाउस होल्ड इनकम है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो विशियस सर्कल है ये चलता रहता है, चलता रहता है, विच फर्दर लीड्स टू दी रिसेशन और डिप्रेशन। तो प्राइमरली देखिए, रिसेशन की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरली जो रिसेशन है इट इज़ कंसर्न्ड विद वेन एवर द डिमांड इज लो। जब भी डिमांड जो है वो कम होती है, दिस इज द मेन कॉज फॉर द रिसेशन ऑफ एन इकोनॉमी, कि जब डिमांड कम आना शुरू हो जाए। ठीक है, जब डिमांड कम है तो जो आप कह सकते हो कि जो प्रोडक्शन हाउस है वो कम मैन्युफैक्चर करेंगे, और जो प्रोडक्शन हाउस, जब बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चर, जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है तो इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, 2% से 4% ऑफ इन्फ्लेशन इज़ गुड फॉर एन इकोनॉमी। प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, जो आगे मैं एक जो टॉपिक आपको, जो अभी नेक्स्ट डेफिनेशन जो मैं समझाऊंगी विच इज़ डिस इन्फ्लेशन, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज होते हैं, विच इज़ गुड फॉर द, विच इज़ डिजायरेबल फॉर एन इकॉनमी। ठीक है, क्यों डिजायरेबल है एन इकॉनमी की, क्योंकि इसका मतलब प्रोडक्शन एक्सपैंड हो रही है, हमारी इकॉनमी एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़नी चाहिए, 2-4% डिजायरेबल इन्फ्लेशन होती है, राइट। तो अगर, लेकिन अगर डीफ्लेशन है, डीफ्लेशन ऐसे याद रखिएगा, तो डीफ्लेशन टोटल उल्टा होता है इन्फ्लेशन के, यहाँ पे प्राइस रिड्यूस हो रहा है, रेट नेगेटिव होता है। मैंने आपको क्या कहा कि 10 रुपये की चीज़ है 9 रुपये की होगी, 8 रुपये की होगी, तो यानी कि यहाँ कहीं -10% की जो है वो डिक्रीज आ रही, -11% जो है वो आ रहा है, यानी रेट इज नेगेटिव। तो हेयर डिफ्लेशन के केस में जो रेट है प्राइस की वो क्या है, वो नेगेटिव हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम एब्सोल्यूट प्राइस जो है वो देखते हैं, हेयर एब्सोल्यूट प्राइस इज टेकन इनटू अकाउंट इन केस ऑफ डिफ्लेशन। ओके, तो यहाँ पे इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, सॉरी, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट प्राइस जो है वो हम कंसीडर नहीं करते हैं, यहाँ पे हम उल्टा रेट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो रेट जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है, तो दिस इज सेट टू बी डिफ्लेशन। होपफुली आपको ये समझ आ गया है, ये मैंने आपको क्या बताया। ठीक है, कि इसमें क्या है कि आपकी जो इसमें क्या होता है इस केस में कि हम क्या करते हैं, प्राइस क्योंकि कम हो रहे हैं तो जो कंज्यूमर्स हैं वो फॉर दी फर्दर एक्सपेक्टेशन कि ओवर प्राइस कम होंगे तो हम अपनी परचेज जो है वो डिले कर देते हैं। परचेज डिले करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगी, जब प्रोडक्शन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो हाउस होल्ड इनकम जो है वो कम होगी, प्रोडक्शन कम है तो ओवरऑल इकोनॉमी को तो ऑब्वियसली ही इफेक्ट पड़ेगा। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। और आप ऐसा समझिए कि डिफ्लेशन की अगर जनरली डेफिनेशन पूछे तो इट इज़ द रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ मनी और इट इज ए जनरल डिक्लाइन इन द प्राइसेस। नाउ इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है कि मनी सप्लाई ज्यादा होती है मार्केट में, लेकिन डिफ्लेशन में उसका उल्टा होता है, डिफ्लेशन के केस में देयर इज रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, देयर इज रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ मनी। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर, डिफ्लेशन तक हम रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफ्लेशन देखेंगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हैं वो देखेंगे, जैसे कि रीफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। देयर आर मोर इन्फॉर्मेशन विच विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, प्लस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, फिलिप्स कर्व देखूंगी मैं आपको, फिलिप्स कर्व करवाऊंगी। ठीक है, एंड देर आर मोर कॉन्सेप्ट्स टू इट, जैसे मैंने आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहा था वो कराऊंगी, और अभी हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल मेथड्स करने हैं विच विल बी द लास्ट।
ठीक है, जो हम इन्फ्लेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक हम रखते हैं इसको अच्छे से, WPI CPI को अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो आई विल सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप रिवाइजिंग।